हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम स्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल काफ्तान सेट्स भी हैं और सिंगल काफ्तान भी हैं। तो ये समर्स जैसे अब स्टार्ट ही हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो जो काफ्तान होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आउटफिट लगते हैं मुझे समर्स में पहनने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एरी एरी फील होता रहता है उनको पहनने के बाद। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी काफ्तान दिखाऊंगी वो सारे के सारे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। और इसमें मतलब सिंगल पीस काफ्तान भी हैं और काफ्तान सेट्स भी हैं, यानी उनके साथ पैंट्स भी आई हैं। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सारे के सारे काफ्तान मुझे मिल गए हैं। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। आपको मेरे चैनल पे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी एंड सारे रिव्यूज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। गाइस, अमेज़ॉन पे मेगा फैशन वीकेंड चल रहा है। इसमें आपको 70% तक ऑफ मिल जाएगा फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। इवन 300 का कैशबैक भी है फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे और मिनिमम ऑर्डर ऑफ 3000। तो बहुत ही अच्छी डील है। तो अगर आप कुछ भी शॉपिंग करने का सोच रहे हो, अपनी समर वार्डरोब रिफ़्रेश करने का सोच रहे हो, तो एकदम बेस्ट टाइम है कुछ भी परचेज़ करने का अमेज़ॉन से। तो आप इस ऑफ़र को अवेल करना मत भूलना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट काफ्तान कुर्ती से, विच इज़ दिस वन। और ये आज के कलेक्शन में सबसे कम प्राइस की कुर्ती है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। और आप देख रहे हो इसका कलर एंड प्रिंट कितना ज़्यादा प्यारा एंड ब्राइट है। आई रियली लाइक दिस। ये जिगजैग का जो प्रिंट है इसमें पिंक एंड मैजेंटा एंड वाइट का, तो ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ्तान कुर्ती। और इसका जो पैच वर्क है ना, फ्रंट में कुछ इस टाइप से दे रखा है, जो एक गैदर्ड लुक यहाँ पे फ्रंट में है और उसमें पैच दे रखा है। इसमें मिरर वर्क है साइड में और बीच में जो है गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयड्री हो रखी है इस पैच में। तो ये जो कुर्ती ओवरऑल है पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। इसके पूरे साइड्स में आपको सिल्वर गोटा लगा हुआ मिल जाएगा और बैक साइड में आपको इसमें ना एक प्रॉपर फिटिंग देने के लिए एक इलास्टिक भी दे रखी है कुछ इस टाइप से। सो ये इलास्टिक इसके बैक साइड में। और इसमें कोई भी टाई करने का कुछ भी नहीं है सिस्टम। तो जो भी आपका बॉडी का जो शेप आएगा वो इस पैच और इस इन गैदर्स की वजह से आएगा और पीछे जो इलास्टिक दे रखी है उसकी वजह से आएगा। बाकी ये जो कुर्ती है इसकी लेंथ मुझे एकदम सही लग रही है। समहाउ आई डोंट नो, लाइक अमेज़ॉन पे इसकी जो रेटिंग है दैट इज़ लाइक एवरेज रेटिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, बट क्योंकि ये पहनने में तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है मुझे। और आई डोंट नो वॉश होने के बाद ये कैसा लगेगा, बिकॉज इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर कॉटन। और कॉटन में समटाइम्स वो कलर जो होता है ब्लीड होने का चांसेस रहते हैं। सो ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये जो है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक 380 समथिंग रुपीज़ का इसका प्राइस है। इतने में आपको ये पूरी बढ़िया सी फिटिंग वाली एंड स्मार्ट काफ्तान कुर्ती मिल रही है। सो गाइज, ये फर्स्ट कुर्ती थी आज की कलेक्शन में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की ओर, विच इज़ दिस वन। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड जनासिया। और ये जो है इसका जो फैब्रिक है ना दैट इज़ लाइक अ वेरी सॉफ्ट कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। टाई एंड डाइन की कुर्ती है ये, ऑरेंज एंड वाइट कलर में। जो फैब्रिक हाथ में लेके ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा मुलायम सा, सॉफ्ट सा कॉटन है। समर्स में इस टाइप से पहनने के लिए जो मतलब इस टाइप की कुर्तीज़ पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि कॉटन इज़ लाइक बेस्ट फॉर समर्स। इसका जो नेक है दैट इज़ लाइक अ बोट नेक, थोड़ा सा ब्रॉड है। और इसमें जो है एक प्रॉपर बॉडी लुक को दिखाने के लिए यहाँ पे एक टाई करने के लिए दे रखे हैं। सो इससे क्या होगा, सारे गैदर्स आपके वेस्ट के अराउंड आ जाएंगे, तो एक बॉडी को लुक डिफाइंड सा मिल जाएगा, एकदम ढीला ढाला काफ्तान नहीं लगेगा। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है। ये पूरा का पूरा इस टाइप से आप इसको टाई कर सकते हो यहाँ पर। और ये बीच में इसमें एंड में टैसेल्स भी दे रखे हैं कुछ इस टाइप के। इसका जो लेंथ एंड विड्थ है एकदम परफेक्ट है। इसका साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया है। और जो पहले मैंने आपको कुर्ती दिखाई थी पिंक वाली, उसका भी साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया है और मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आया है। सो ये अराउंड 500 के अराउंड की कुर्ती है। इसका जो सबका प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इस कुर्ती की ओर, विच इज़ अगेन फ्रॉम ब्रांड जनासिया। ये कुर्ती पहनने के बाद थोड़ी स्मार्ट तो लग रही है, बट आई मीन मुझे उतनी ज़्यादा इसकी फिटिंग अच्छी नहीं लगी है। जस्ट इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइक अ बैग टाइप इन्होंने बना दिया और बीच में बस बांधने के लिए डोरी दे दी है। लाइक इट्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप और उसमें बीच में सेंटर में डोरी है। तो जस्ट इसको आपकी बॉडी शेप को डिफ़ाइन करने के लिए तो आप सेंटर में से गैदर करके नॉट बांध लोगे तो इस टाइप की ये आपका लुक आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आई मीन ब्रॉड शोल्डर्स और वेस्ट के अराउंड गैदर्स, तो इस टाइप की ये एक फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी। तो ये कुछ है, इसमें आप देख रहे हो कि साइड में वो ओपन नहीं है, साइड से इसमें स्टिचिंग है, पूरे ब्रॉड एकदम बैक टाइप शेप है इसका। और यहाँ से इन्होंने स्लीव्स आर्म्स होल दे रखे हैं और शोल्डर्स पे गैदर्स हैं। इस कुर्ती में प्रॉब्लम ये है जो इसका नेक है ना, दैट इज़ वेरी वाइड। मुझे बहुत वाइड लगा इसका नेक, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था इसको पहनने के बाद। और इसकी साइड में कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्लिट दे रखी है। तो ये मतलब जब मैंने फ़ोटो में इसको देखा था तो बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये पहनने के बाद मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। बट इट्स लाइक अ न्यू डिज़ाइन एंड न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने इस टाइप की कुर्ती नहीं देखी है, तो अगर आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये भी टाई एंड डाई की कुर्ती है और फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट, वैसे जनासिया का है। और इसका जो साइज़ है मैंने मीडियम ऑर्डर किया है और मीडियम मुझे इट्स एक्चुअली अ वेरी लूज़ कुर्ती, तो मीडियम मुझे लगता है ये एक्सेल लार्ज डबल एक्सेल को भी आ जाएगा ये वाली जो पर्टिकुलर पीस है। तो ये मैंने मीडियम ऑर्डर किया है और ठीक ही लग रहा है पहनने के बाद मुझे तो। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका प्राइस इज़ अराउंड 500-600, अभी एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अनदर कुर्ती की और विच इज़ दिस वन, और ये है कुछ इस टाइप की प्यारी सी कुर्ती। अगेन इट्स अ काफ्तान कुर्ती। इसके एंड में आपको इस टाइप से लेस मिल जाएगी कॉटन की, और इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ रेयॉन। और इसके नेक में आपको पर्ल्स लगे हुए मिल जाएंगे और फ्रंट में गैदर हुआ है और इसमें टेसल्स और इस टाइप से पर्ल्स का काम मिल जाएगा। तो पहनने के बाद ये काफ़ी स्मार्ट कुर्ती लग रही है, ब्यूटीफुल सा ब्राइट कलर देख रहे होंगे इसका, पिंक एंड वाइट। समर्स में पहन के इस टाइप के ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी जो पूरे साइड में ना इस टाइप से लेस लगी हुई है और इसकी लेंथ भी थोड़ी लंबी है। पीछे के लिए इसमें वो सेम इलास्टिक दे रखी है कुछ इस टाइप से। तो इसमें कोई टाई करने का कुछ भी सीन नहीं है, तो आपका जो भी बॉडी का लुक आएगा दैट विल कम बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक एट द बैक एंड दीज गैदर्स इन द फ्रंट। तो इस टाइप की इसका जो नेक है दैट इज़ वी नेक, और नेक थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा है। इसका साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया था और दिस इज़ द कुर्ती। और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। इसको मैंने अभी पेयर अप किया है एक वाइट ट्राउज़र्स के साथ, रेयॉन के ही मेरे पास ट्राउज़र्स है, तो इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है कुर्ती। सो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसको हाँ है, आप इसको ले सकते हैं, भी बहुत अच्छी कुर्ती है गर्मियों के लिए पहनने के लिए। नेक्स्ट गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ्तान एंड पैंट का सेट है। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी अफोर्डेबल पीस। इसको आप ज़रूर ले सकते हो, बिना सोचे इसको ले सकते हो। आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। इसका जो कपड़ा है ना, हाथ में लेते ही इतना सॉफ्ट फील हो रहा है। और जो प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो प्राइस है ना, दोनों सूट आई मीन कुर्ते का और पैंट का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 580 और समथिंग 580, हाँ कुछ इस टाइप से ही है, यानी 500 और 600 के बीच का ही है कुछ रेंज। तो इस टाइप की ये कुर्ती है, वी नेक है इसका। ये भी काफ्तान स्टाइल की कुर्ती है। इसके भी एंड में यहाँ पे ये मरून लेस लगी हुई है कुछ इस टाइप से, और इसका फैब्रिक कॉटन है, प्रिंटेड है कुछ इस टाइप से। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये ट्राउज़र्स, और ट्राउज़र्स का फैब्रिक भी कॉटन है मरून कलर का, इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फिटिंग वाइज ये ट्राउज़र बहुत कंफर्टेबल है, लेंथ भी इसकी एप्ट है और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और गाइज इसका प्राइस इज़ जस्ट 580 और समथिंग, तो रीज़नेबल भी है, यानी उतने प्राइस में जो क्वालिटी रिसीव हुई है दैट इज़ अमेजिंग। एंड इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है अमेज़ॉन पे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो इसमें एक पीच एंड वाइट कलर भी है और एक नेवी ब्लू एंड मरून कलर भी है, तो ये तीन कलर इस कुर्ती में है। इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप काफ्तान कुर्ती लेने का प्लान कर रहे हो। तो इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सच अ अमेजिंग कुर्ती सेट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा आएगा, पर ये बहुत अच्छा आया है। तो सबसे पहले मैं इसकी कुर्ती आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द कुर्ती एंड कैन यू सी लाइक द शाइन एंड ऑल, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसका कुर्ती पे काफ्तान स्टाइल की ही कुर्ती है। इसके फ्रंट में, नेक में आपको कुछ इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, मिरर वर्क मिल जाएगा, रेड, ग्रीन एंड गोल्डन थ्रेड से। और कलर इसका कुछ मस्टर्ड येलो है। प्रिंटेड है ये कपड़ा, और ये कपड़ा आई थिंक रेयॉन है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रेयॉन है। और इसके पूरे एंड पे इस टाइप से आपको लेस मिल जाएगी, पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे एंड्स पे भी इस पर लगा हुआ है लेस। साथ में गोटे का वर्क मिल जाएगा। तो ये जो गोटा वोटा लग के, लेस लग के जो कंप्लीट लुक आता है ना कुर्ती का, उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक दे देता है। बिकॉज सिंपल सी प्लेन सी कॉटन की कुर्ती नहीं लगती है। छोटी गैदरिंग में, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, इस टाइप की जगहों पर इसको आप प्रॉपरली डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। फ्रंट में इसमें आपको कुछ इस टाइप से टेसल्स मिल जाएंगे, गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा। आई मीन दिस इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग एंड फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है अमेज़ॉन पे। तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ ऐसे इसकी जो एम्ब्रॉयडरी आएगी वो थोड़ी सी नॉर्मल सी आएगी, नॉट सो ग्रेट, बट इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा फाइन है, एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है। रेंज इज़ लाइक अमेजिंग अगेन। सो रेंज इज़ अराउंड 800 और 900 के बीच का है कुछ तो। सो दिस इज़ अ कुर्ती। और इसके साथ मुझे रिसीव हुई है ये पैंट्स। सो पैंट्स आर अगेन लाइक ऑफ कॉटन और थोड़ा ऑफ वाइट क्रीम सा शेड है। नीचे सेम लेस लगी हुई है जो कुर्ती में लगी हुई है, और ऊपर से इसमें वही गोटा पत्ती का वर्क, गोटा लगा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा ये सूट लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ही स्मार्ट सा लुक आ रहा है। फिटिंग वाइज भी इनकी जो मीडियम साइज़ मैंने ऑर्डर किया था, और मीडियम मुझे बिल्कुल भी लूज़ नहीं लगा, एकदम अच्छी सी फिटिंग आ गई इसको पहनने के बाद। तो गाइज़ ये भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। विद इन 1000 काफ्तान कुर्ती एंड पैंट का सेट, इट्स लाइक अ वेरी ग्रेट डील। और इसकी रेटिंग भी अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसका जो पैंट का फैब्रिक है ना, दैट इज़ कॉटन, और थोड़ी खादी कॉटन होता है ना, कुछ इस टाइप का है। ये थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक है, ऊपर से इलास्टिक है। तो ये पूरा कुर्ती सेट पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक और कुर्ती सेट, जो है एक काफ्तान एंड एक शरारा का सेट। लाइक ये मुझे बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन लगा। इसमें शरारा के साथ एक काफ्तान कुर्ती है शॉर्ट, और गाइस ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही। कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका काफ्तान कुर्ती। सो गाइज दिस इज़ द काफ्तान कुर्ती, और इसमें आप देख रहे होंगे फ्रंट में कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा गोटा पत्ती का वर्क हुआ है पूरे फ्रंट में। नेक में पूरे ब्रॉड अच्छी सी गोटा पत्ती लगी हुई है, साइड में भी इसके ब्रॉड गोटा पत्ती लगी हुई है, और इसके नीचे भी यहाँ पे लगी हुई है साइड में, मतलब पूरी ऑल थ्री साइड्स जो है उसमें पूरा गोटा पत्ती लगा हुआ है। फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट। फ्रंट में ऐसे कुछ टाई करने के लिए टेसल्स दे रखी है, तो टाई करने के बाद वो टेसल्स फ्रंट में आ रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट सा लुक दे रही है इसको। सो ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है। प्रिंट एंड कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस वाली कुर्ती में भी आपको आई थिंक 3 ऑप्शंस है कलर ऑप्शंस, तो आप चेकआउट कर लेना। ये आज के कलेक्शन में सबसे ज़्यादा महंगा कुर्ती सेट है। इट्स लाइक क्लोज टू अराउंड 1500। इसका जो शरारा है वो भी एकदम यूनिक सा है, कुछ इस टाइप से बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला। एक ही आप इसके पैर का फ्लेयर देख लो, कितना ज़्यादा अच्छा बड़ा है। पूरे नीचे में गोटा लगा हुआ है, और ब्रॉड गोटा लगा हुआ है नीचे फिर से, और पर्पल एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लुकिंग वेरी नाइस। और जब मैंने इसको पहना तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। थोड़ा सा बस मैं ये बोलूँगी, इसमें जो काम हुआ है ना, दिस सी ग्रीन जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग का इशू लग रहा है मुझे। बाकी इस कुर्ती में कोई और इशू नहीं है। इस वर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस हाई लग रहा है मुझे। थोड़ा सा कम रेंज की कुर्ती हो सकती थी, क्लोज टू 1200 और 1300, बट इसका प्राइस इज़ क्लोज टू 1500। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही है, बट पहनने के बाद गाइस ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। कोई भी डे का कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें आप इसको वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पीस है, लाइक इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन। शरारा विद काफ्तान लाइक तो थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझे लगा और पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पीस लग रहा है। ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका और फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। इसका साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं ये सब काफ्तान कुर्तीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो ये काफ्तान कुर्तीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अमेज़ॉन पे देखते ही मुझे ये सब पसंद आ गई थी तो मैंने ऑर्डर कर ली और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छी कुर्ती कौन सी लगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को एक बिग थम्स अप देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन बाय।